तो सब जबरदस्त। तो भाई ट्रैक्टर एक्सीडेंट का यह पार्ट है 19। आज भी हमारे पास काफी सारे ट्रैक्टर एक्सीडेंट की वीडियो है और वो आप लोगों ने भेजी है। काफी सारे लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर यह सारी वीडियो भेजी है। अगर सबके नाम लेंगे तो काफी सारा टाइम चला जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर आपका नाम इसमें है तो कॉमेंट जरूर करे, और अगर आप सभी नाम देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऐसी काफी वीडियो है जो एक ही वीडियो काफी सारे लोगों ने भेजी है। हाँ, अगर आपकी भेजी वीडियो इस वीडियो में ना आए तो कोई बात नहीं, एक वीडियो में सभी वीडियो नहीं आ सकती ना, तो अगली वीडियो में सही मैंने नाम तो सभी के दिखाई दिए है। और आपको शायद बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी मशीन की, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वैसे तो मैं उसे एडिट कर दूंगा लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह जाए। तो अब ज्यादा टाइम ना ले तो ये शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको चैनल सब्सक्राइब करने में। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो, और पहले से कर लिया है तो आपका धन्यवाद। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजरात से शुरू करते हैं। ये देखिए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहाँ पर दो बंदे गिरे थे, लेकिन खड़ा तो एक ही हुआ है, दूसरा कहाँ गया भाई साहब? एक तो भाई नीचे दब गया ना, जब तक ट्रैक्टर रुकता तब तक वो बंदा नीचे चला गया। और ये भाई साहब को देखो कैसे स्माइल पास कर रहे हैं खड़े होकर। अरे भाई साहब निकालो उस बेचारे को, वरना वो बाहर आके आपकी बत्ती से गुल कर देगा। अब इन दोनों को चोट तो नहीं लगी होगी, फिर क्या पता। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि आप नाड़े को अच्छे से बांधे, मतलब रस्सी को अच्छे से बांधे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा। अब ये मेसी का वीडियो देखो। अब इस वीडियो में ना हम वॉइस ओवर करते हैं, मजा आएगा देखो। अरे भाई साहब हमको ब्लूटूथ वाला मोबाइल लेना है, मस्त गाना सुनेंगे। अरे खोला दरवाजा यार। अच्छा इधर से खुलता है, कोई बात नहीं। हमारा नाम है मैसी और अभी करता है दरवाजे की ऐसी की तैसी। अरे ये मोबाइल की दुकान ही नहीं है रे, इसमें तो थैला है, उसमें तो डीजल भी नहीं आएगा, डीजल बर्बाद। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, और ये है वहां के खतरों के खिलाड़ी। भाई साहब ने इतना ओवरलोड कर लिया है कि ट्रैक्टर के एक्सल ने दम तोड़ दिया। लो भरो भाई और भरो। एक मिनट, ये न्यू ऑलैंड का कौन सा ट्रैक्टर है यार? न्यू ऑलैंड 55, ऐसा कोई ट्रैक्टर आपने देखा है कभी? क्या पता है प्रजाति सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती हो, जैसा देश वैसा ट्रैक्टर। अब एक और ऐसा ट्रैक्टर है जो शायद पाकिस्तान से ही होगा, देखो आप। अब भाई साहब ये कौन सा ट्रैक्टर है? आगे दूसरे एक ट्रैक्टर के साथ ही बांधा था। हमारे देश में भी ट्रैक्टर टूटते हैं, लेकिन जब ये टूटा तो देखो कैसे छिछड़े उठ गए। ये है वहाँ के ट्रैक्टरों की बिल्ड क्वालिटी। चलो आप ट्रैक्टर की डिजाइन कॉपी करोगे, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी और पावर कहाँ से लाओगे? अच्छा तो पाकिस्तान आ ही गए, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। इस हैवी ड्राइवर को देखो। अबे भाई साहब डरी गए ऐसा लगता है, उनसे ट्रैक्टर तो रुका ही नहीं। मतलब जब ट्रैक्टर थोड़ा सा इधर सरका तब वो ब्रेक मार देते तो ट्रैक्टर रुक जाता ना, लेकिन नहीं, ये तो जैसे जानबूझकर ट्रैक्टर पलटा रहे हो ऐसा लगता है। कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि वीडियो वायरल हो जाएगा ट्रैक्टर पलटा देते हैं? अगर सच में ऐसा है तो बस हम ट्रैक्टर वालों को इतना अमीर होना है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, है ना? तो ये देखो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। ओ नायनो,
अब इस कहावत में थोड़ा चेंज है, आसमान से गिरे और कुएं में अटके। अबे ट्रैक्टर ढलान में था और गियर लगा हुआ था इसलिए शुरू हो गया। किसी को भी ये याद नहीं आया कि ट्रैक्टर गियर में से निकाल लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे हालात में अक्सर लोग भूल जाते हैं, ऐसा होता है। और रही बात ट्रैक्टर की, तो देखने में ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर का गोल तो निश्चित था कि मुझे जाना तो कुएं में ही है। मतलब इतनी बड़ी जगह है, खुला मैदान है, इसमें कुएं में जाने के चांस कितने हैं? 1% से भी कम। लेकिन फिर भी वो इधर उधर मुड़ते हुए आखिर गया तो कुएं में ही। तो आप भी मेहनत करते रहे, आपको भी अपना गोल जरूर मिलेगा। यह लाइन में अपने आप को बोल रहा था। खैर मजाक में बोल रहे हैं, पर ये वीडियो एंटरटेंट। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। ये वीडियो में एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, मनोरंजन के लिए। हिंदी सही है यार, तो आप ऐसे ही ले। कई बार थोड़ा बहुत रोस्ट हो जाता है, पर हम ट्रैक्टर वालों की फीलिंग भी समझते हैं सच में। अब आप ही अपना ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर की जगह रख के सोचो, आपको कैसा लगेगा? ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है। कई लोग खर्चे से नहीं डरते, लेकिन ट्रैक्टर को खर्च है उनको पसंद नहीं होता है। और मैं तो ट्रैक्टर का बड़ा वाला फैन हूँ, आप सबको पता ही है। अब कुछ ज्यादा ही बुरे एक्सीडेंट देखते हैं जिसमें ट्रैक्टर में ज्यादा ही नुकसान आया हो। सबसे पहला आप इस स्वराज को देखिए। स्वराज का यहाँ पर काफी बुरा हाल हो गया था, लेकिन साथ में आपने देखा कि भाई साहब ने वो ट्रैक्टर फिर से बनवाया है। अब इसमें कितना खर्चा आया होगा वो तो भाई को ही पता होगा। अगर वो भाई साहब भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बता सकते हैं ये हादसा कैसे हुआ और कितना खर्चा आया। अब यहाँ पर स्वराज का एक और वीडियो है, अब देखिए पूरा। अब यहाँ पर बताया गया है कि 2500 ईंटें भरने पर स्वराज ने दम तोड़ दिया, वो भी 855 ने, और न्यू ऑलैंड 10000 ईंटें खींच गया। तो नो डाउट न्यू ऑलैंड काफी अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छे ट्रैक्टर आते हैं, मुझे भी पसंद है। पर स्वराज भी तो यार स्वराज है, हमारे यहाँ 2500 ईंटें तो स्वराज 735 खींच लेता है, वो भी बड़े आराम से, 855 की तो जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये तो कुछ और कारण से ही टूटा है। हो सकता है कि इसकी एक्सल पहले से कमजोर हो गई हो, क्या पता। ये पाकिस्तान का ट्रैक्टर थोड़ी है कि ओवरलोड करते ही टूट जाएगा। वैसे पाकिस्तान में भी हमारी वीडियो देखी जाती है। खैर बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट जरूर करें। अब एक महिंद्रा अर्जुन का वीडियो है जिसमें उसका भी काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है, देखो आप। भाई साहब का काफी नुकसान हो गया है, पर उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो, उनको कोई नुकसान ना आया हो और आप भी ट्रैक्टर आराम से चलाएं। कभी कभी जल्दबाजी काफी महंगी पड़ती है, खास करके जब ट्रैक्टर ओवरलोड हो। अब इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना लोग बोलेंगे वीडियो बना ज्ञान मत दे। अब अर्जुन की बात आई गई है तो इसे देखो। अब पक्का तो पता नहीं इसमें कैसे आग लगी है, लेकिन हो सकता है कि ओवरहीट के कारण हो, ये भी एक कारण है ट्रैक्टर में आग लगने का। बाकी आपके आसपास कभी ऐसा हादसा हुआ हो तो हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये देखो महिंद्रा का प्रो मैक्स प्लस हेवी ड्राइवर। भाई साहब ने ट्रैक्टर के तो पतीले फाड़ दिए, मुझे तो दही आ रही है इस बेचारे साइकिल वाले पे। उसकी साइकिल का तो नामो निशान मिटा दिया इस धरती से, बेचारा दूध देने आया होगा, अच्छा हुआ कि वो वहाँ पर नहीं था, वरना उसका भी नामो निशान मिट जाता। वैसे ये वीडियो है कहाँ का आपको पता हो तो कमेंट जरूर करें। चार बंदे ट्रॉली में बैठे थे, उसमें से दो तो वहीं ढेर हो गए, मतलब एक ढेर हो गया, एक तो ऐसे ही कूद गया, सारे के सारे सामान की तो धज्जियां उड़ा दी। ऐसा अक्सर तब होता है जब जिंदगी भर मैनुअल स्टीयरिंग ट्रैक्टर चलाया हो और कोई सीधा आपको पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर पकड़ा दे, इसमें भी यही कारण लगता है। अब आगे क्या हुआ वो तो वीडियो में नहीं दिख रहा है, ये दोनों भी ट्रैक्टर को जाते हुए देख रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर ट्रैक्टर को सीधा किया जा रहा है और हुआ क्या आप ही देखो। अब क्रेन को सीधा करने के लिए दूसरे क्रेन कौन बुलाएगा, ट्रैक्टर वाला कि क्रेन वाला? अब ट्रैक्टर को सीधा करने के लिए ट्रैक्टर वाले ने क्रेन बुलाई तो मुफ्त में तो नहीं आया होगा, पर अब वो पलट गई है तो उसे सीधा करने के लिए क्रेन वाला ही पैसा देगा। क्रेन वाला भी सोचता होगा किस मनुष्य घड़ी में यहाँ आने के लिए निकला था मैं। हमने अभी भी आपको ये वाला वीडियो दिखाया, उसका होने का एक और कारण अभी अभी हमको मिला, तो चलो उसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ, देखो आप। फर्स्ट सेकंड थर्ड
ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഇവിടെ നേരെ തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന റിവേഴ്സ്. അത് ആക്സിലേറ്റർ, ഇത് ബ്രേക്ക്, ഇത് ക്ലച്ച്. എന്നാ വണ്ടി എടുക്ക. देखा आपने, मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, शाबाश बेटा। आपके पास ऐसा कोई दोस्त है वो ट्रैक्टर चलाने को मांगे तो दे दियो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा और कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। शायद आपका दोस्त आपको फिर कभी देखने को ना मिले, ये हो सकता है, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आप कर भी जा सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको क्या नहीं करना है और ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। तो बाकी बताइए क्या चल रहा है, मेरा काम खत्म होने के बाद पूछ रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सभी कॉमेंट पढ़ता हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जबरदस्त रहे।